In this video, we are going to solve the another LCS longest common subsequence problem using dynamic programming approach, and this question is asked in IP University. Now let's see the solution. So we have given the LCS of this and this sequence. So sabse pehle mujhe kya karna hai, let x is equal to ye jo sequence de rakha hai usko maine x ke corresponding assume kar liya, that is 100 10 101, and जो दूसरा वाला सीक्वेंस है उसको मैंने y के करस्पॉन्डिंग एज्यूम कर लिया, दैट इज 01 01 10 11 0. नाउ व्हाट इज द मॉड ऑफ x? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 3 6 एंड 2 8. हियर इज 8 एंड मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 9. तो इसका मतलब ये है कि मुझे 8 क्रॉस 9 का एक टेबल बनाना है फ्रॉम 0 टू 8, फ्रॉम 0 टू 9, और उसको LCS प्रॉब्लम से सॉल्व करना है. नाउ सिंस वी नो दैट हमें क्या पता है कि C ऑफ i कामा j, अब मुझे ये जो वैल्यू फिल करना है LCS का लेंथ, वो मुझे इस रिकरेंस फार्मूला से फिल करना है. कैसे? 0 if i is equal to 0 कामा j is equal to 0, यानी कि i जब 0 होगा, j जब 0 होगा, तो वहाँ पे मुझे 0 फिल करना है. अदरवाइज में क्या करना है, अदरवाइज में फिल करना है c ऑफ i माइनस 1 कामा j माइनस 1, यानी कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है और इसमें क्या करना है, प्लस 1 कर देना है. कब? जब हमारा i कामा j ग्रेटर देन 0 होगा एंड x इज इक्वल टू y. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे फर्स्ट सीक्वेंस का और सेकंड सीक्वेंस के सिंबल मैच कर गए, तो उस केस में हमारा i और j ग्रेटर देन 0 होगा, तो डायगोनल एलिमेंट प्लस 1 फिल करना है. अदरवाइज में क्या मुझे चूज करना है, मैक्सिमम ऑफ c ऑफ i कामा j माइनस 1 कामा c ऑफ i माइनस 1 कामा j. इफ i कामा j ग्रेटर देन 0 और x इज नॉट इक्वल टू y, x ऑफ i एंड y ऑफ j ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे भी x ऑफ i एंड y ऑफ j होगा, तो ये दोनों नहीं इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड की वैल्यू को चूज करना है एंड दिस इज द अपर वैल्यू. तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मुझे निकाल के फिल कर देना है. और साथ साथ में अगर मैं लेफ्ट की तरफ से वैल्यू लेता हूँ तो मैं ये एरो यूज करूँगा, और अपर से लेता हूँ तो ये एरो यूज करना है, एंड डायगोनल लूँगा तो ये एरो यूज करना है. नाउ वी मेक द टेबल ऑफ 8x9 एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग LCS, बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच. लेट्स सी. Now solve this problem using dynamic programming approach and find the longest common subsequence. So हमारे पास यहाँ पे x sequence दिया हुआ था, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दिया. y sequence हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ इसकी वैल्यू मैंने कॉलम वाइज फिल कर दिया. y sequence के पास हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट थे एंड x sequence के पास हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट थे, तो मैंने 8 क्रॉस 9 मैंने फिल कर दिया. तो जहाँ पे हमारे पास रो में i की वैल्यू 0 है वहाँ पे पूरा 0 फिल करना है, और जहाँ पे कॉलम पे i की वैल्यू 0 वहाँ पे 0 फिल करना है. सो लेट स्टार्ट डूइंग. तो यहाँ पे 0 होगा 0 0 0 0 0 0 0 0. सो हियर i इज इक्वल टू 0, इसमें मैंने सब 0 फिल कर दिया, एंड हियर i इज इक्वल टू 0, सो हियर इज 0 0 0 0 0 0 0. नाउ स्टार्ट डूइंग कंपैरिजन. 1 इज इक्वल टू 0 नहीं, तो आइदर दिस और दिस, तो मैंने ये वैल्यू ले लिया, दैट इज़ 0. तो
ये एरो फिल कर दिया. नाउ 1 इज इक्वल टू 1, यस. तो यहाँ पे डायगोनल प्लस 1 दैट इज 1 एंड डायगोनल एलिमेंट दिस. 1 इज इक्वल टू 0, नहीं. तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे चूज करना है, अगर इक्वल नहीं है तो ये मैक्सिमम है दैट इज 1 एंड दिस. अगेन 1 इज इक्वल टू 1 दैट इज यस. तो डायगोनल प्लस 1 इज 1 एंड डायगोनल. एंड 1 इज इक्वल टू 1, यस. अगेन डायगोनल प्लस 1 1 डायगोनल. 1 इज इक्वल टू 0, नो. मैक्सिमम दिस, मेक दिस. एंड 1 इज इक्वल टू 1, यस. डायगोनल प्लस 1 दैट इज 1, मेक डायगोनल एरो. एंड अगेन सेम, तो डायगोनल प्लस 1 इज 1 एंड मेक डायगोनल. एंड अगेन 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मैक्सिमम इज दिस 1. सो नाउ इन द सिमिलर वे 0 इज इक्वल टू 0 दैट इज डायगोनल प्लस 1. 0 इज इक्वल टू 0, तो डायगोनल प्लस 1 इज 1. Now make diagonal. Now 0 is equal to 1, no. Maximum is either this or this. मैं upper वाली value ले रहा हूँ, तो either 1 and up arrow. Now 0 is equal to 0, yes. Diagonal plus 1 is 2 and make diagonal. And 0 is equal to 1, no. That is maximum is 2 and make this arrow. 0 is equal to 1, no. Maximum is this. And 0 is equal to 0, yes. Diagonal plus 1 is 2 and diagonal. And 0 is equal to 1, no. 2 is maximum. And 0 is equal to 1, no. 2 is maximum. 0 is equal to 0, yes. Diagonal plus 1 is 2 and make diagonal. And similarly 0 is equal to 0, yes. Diagonal plus 1 1, here is diagonal 0 plus 1. 0 is equal to 1, yes. 0 is equal to 1, no. That is either this or this, we take this 1. Now 0 is equal to 0, yes. Diagonal plus 1 is 2, make diagonal. 0 plus 1 is equal to 0 is equal to 1, no. Either this or this. Now 0 is equal to 1, no. Then here is 2 and 0 is equal to 0, yes. Diagonal plus 1 is 3 and make diagonal. 0 is equal to 1, no. Maximum is 3. 0 is equal to 1, no. Again maximum is 3. 0 is equal to 0, yes. Diagonal plus 1 is 3, make diagonal. And 1 is equal to 0, no. Maximum is this. 1 is equal to 1, yes. Diagonal plus 1 is 1. Diagonal plus 1 is 2, that is diagonal. Now 1 is equal to 0, no. Maximum enemy se koi lena hai to maine upar wali le liya, arrow aise bana diya. No. 1 is equal to 1, yes. Diagonal plus 1, that is 3. Again diagonal. Again 1 is equal to 1, yes. Here is again 3 and diagonal. 1 is equal to 0, maximum any 1, that is 3 and up value. And 0 is equal to 1, yes. That diagonal plus 1 is 4, make diagonal. Again same, again 4 and make diagonal. And not same, maximum is 4, make this. Similar way 0 is equal to 0, yes. Diagonal plus 1 is 1, diagonal. 0 is equal to 1, no. That is 2 is maximum, here is 2, up value. And 0 is equal to 0, yes. That is 3, diagonal plus 1, make diagonal. And 0 is equal to 1, no. That is 3, up value. Again not equal, 3, up value. 0 is equal to 0, yes. That is 4, diagonal. And 0 is equal to 1, no. Any 1, that is 4 and up. And again here is 4 and up. Again 0 is equal to 0, that diagonal plus 1 is 5, make diagonal. And 1 is equal to 0, no. 1 is maximum. तो एरो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा. 1 is equal to 1, yes. Diagonal plus 1 is 2, make diagonal. 1 is equal to 0, no. Maximum is 3, up. And 1 is equal to 1, yes. Then diagonal plus 1 is 4 and diagonal. And 1 is equal to 1, yes. That is 4, again diagonal. 1 is equal to 0, no. 4, up. Again 1 is equal to 1, yes. That is 5, diagonal. 1 is equal to 1, yes. That is 5, diagonal. 1 is equal to 0, no. 5 and up. Again 0 is equal to 0, yes. That is diagonal plus 1, 1, diagonal. 0 is equal to 0, 0 is equal to 1, no. That is maximum is 2, up. 0 is equal to 0, yes. That is diagonal 3, diagonal. 0 is equal to 1, no. 4 is maximum, up. 0 is equal to 1, no. 4, up. 0 is equal to 0, yes. That is 5, diagonal. 0 is equal to 1, no. That is 5, up. Again 0 is equal to
1 no, 5 up, 0 is equal to 0 yes, 6 diagonal. Again we compare 1 with 0, same, that is diagonal plus 1 is 1, make diagonal. 1 is equal to 1, yes, that is diagonal plus 1 is 2, and make diagonal. Again 1 is equal to 0, no, 3 is maximum up. Again 1 is equal to 1, yes, diagonal plus 1, 4 diagonal. Again 1 is equal to 1, yes, diagonal plus 1 is 5 diagonal. Again 1 is equal to 0, no, 5 up. And 1 is equal to 1, yes, diagonal plus this, that is 6, and diagonal. 1 is equal to 1, yes, that is 6, again diagonal. 1 is equal to 0, no, anyone, 6 and up. So we fill the cell. Now we have to select the LCS longest common subsequence. So start from here. ये बोल रहा है कि ऊपर जाओ, ऊपर गया, ये diagonal है, इसको write कर देना है, यानी कि मुझे 0 select करना है. Here is, इसको मैंने select कर लिया, तो यहाँ से ये select हो गया और ये select हो गया. Now diagonal में गया, again diagonal मिला, तो इसको भी select कर लेना है, that is this, and this select कर लिया और इसको circle कर दिया. ये बोल रहा है diagonal में जाओ, अगेन यहाँ पे गया तो ये अप मिला, अगेन अप के ऊपर गया तो डायगोनल मिला. सो डायगोनल में हमारा वन था, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया. नाउ फिल दिस, अगेन डायगोनल में गया, अगेन डायगोनल मिला मुझे, दैट इज अगेन सेलेक्ट एंड अगेन सेलेक्ट एंड वी फिल हेयर, वी फिल दिस नॉट दिस. सो अगेन वी टेक इट, अगेन डायगोनल में गया तो ये बोला है लेफ्ट में जाओ, अगेन लेफ्ट गया, अगेन यहाँ पे डायगोनल मिल गया, तो अगेन ये अब यहाँ पे सेलेक्ट होगा और ये यहाँ पे सेलेक्ट होगा एंड फिल दिस. अगेन डायगोनल में गया तो डायगोनल मिला, अगेन सेलेक्ट दिस एंड हेयर अगेन सेलेक्ट दिस, अगेन डायगोनल में गया तो इनिशियल पॉइंट पर पहुँच गया. सो एल सी एस, सो वी हैव एल सी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 0 1 0 0 एंड 1 and 0. सो वी हैव 1 00 10 LCS सीक्वेंस, दैट इज आंसर.